टू स्मार्ट किड्स सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल इन इंग्लिश बालभारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। बच्चों, हम क्लास 9 में बहुत अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल, वो भी इंग्लिश बालभारती टेक्स्ट बुक में क्लास 9 में। बच्चों, जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, ऐसे बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी एनिमल से रिलेटेड, बर्ड्स से रिलेटेड और ह्यूमन बींग से रिलेटेड, लेकिन आज हम ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे जो एक सच्ची कहानी है, वो भी टर्टल्स के। जैसे हमारे जो इंडिया कंट्री में टर्टल्स बहुत कम पाए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। वी वर सर्विंग द वाइट बेल सी ईगल इन द समर डेट लास्ट ईयर। अभी यहाँ पे जब हमारी कंट्री जो इंडिया है, हम बहुत ही काफ़ी सर्वाइव कर रहे, मतलब टर्टल्स की तलाश में, कि हमारे कंट्री इंडिया में टर्टल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। एज ही रोम द कोस्ट, वन ऑफ द वॉलंटियर इन आवर टीम सॉ सम सोलो पिट्स विद एग वाइट एग शेल्स नियर बाय। अभी यहाँ पे हमारी जो एक टीम है, कुछ वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने भी कुछ इंक्वायरीज की, कहीं हमें टर्टल्स के कहीं एग मिल जाए। उन्होंने सी साइड में क्या किया, मतलब वहाँ पे सर्चिंग करना शुरू कर दिया कि हमारे जो कंट्री इंडिया में कोस्टल लाइन में, जो मतलब सी साइड में हमारे जो टर्टल्स बहुत कम हो रहे, कि हमें उसके अंडे मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे उनकी जो टीम है वॉलेंटियर्स, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया सी साइड में जाने के लिए, कोस्ट लाइन में जाके, जहाँ पे उन्हें कुछ एग टर्टल्स से कुछ एग दिखाई दिए। इंक्वायरीज विद द विलेजर रिवील डेट देयर वर टर्टल एग्स। दिस केम एज सरप्राइज, वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग इन आवर वॉक अलॉन्ग द बीचेस ऑफ कोकन इन ऑल दिस ईयर्स। अभी यहाँ पे जो हम इंक्वायरी के लिए गए, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया काफ़ी सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया से, हमारे सिटीज से, जो एरिया से हमारे जो टर्टल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। और जो हमारी वॉलेंटियर्स है, हमारे सी कोर्स लाइन में जाके सी साइड में इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमें कहीं से टर्टल्स मिल जाए, टर्टल के फीमेल टर्टल मिल जाए, टर्टल के एग्स मिल जाए, जहाँ पे उसे हम, मतलब इसे हम संभाल के रखें कि कोई इसे चोरी ना कर सके। लेकिन फिर बाद में हमने सी साइड में, जब हमने यहाँ पे इंक्वायरीज के लिए गए, तो हमें कुछ टर्टल के एग्स दिखाई दिए। फिर हमने विलेजर से भी कंफर्म किया कि ये टर्टल के एग है कि किसी और के एग है, क्योंकि उस साल मतलब कोकण रीजन में कभी हमें टर्टल के एग्स नहीं दिखाई दिए। तो ये टर्टल के एग्स आए कहाँ से, वो हमें पता लगाना था। We decided to study this unusual occurrence further. We learned that the beach where he had found the eggshell had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver brick were caught in that area. But we learned that further shock us to the core. अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, वो क्या करते थे, मतलब सिल्वर ऐसे लोग भी थे जो मतलब टर्टल के एग्स को चोरी करके दूसरी कंट्री में बेचते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने सी साइड में कुछ क्या देखा कि ऐसी जहाँ पे एक, मतलब एक ऐसा एरिया था जो पब्लिक के लिए सील किया गया था, कि यहाँ पे हमें ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए थे जो मतलब गोल्ड्स, ये सिल्वर, ये सब के कॉइन्स चोरी करके रखा करते थे, क्योंकि हमें, क्योंकि वो उस टाइम पे मतलब ये क्या करते थे, सिल्वर गोल्ड लोग चोरी करके उसकी स्मगलिंग करते थे, मतलब कानून के खिलाफ काम करना, स्मगलिंग करते थे, और टर्टल के एक्स को भी चोरी किया करते थे। मतलब उस टाइम पे बहुत ही बुरी बात थी कि लोग ऐसा क्यों करते, लोग सिल्वर ये गोल्ड ये सब चोरी करते थे और एक स्मगलिंग करते, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र करते थे पैसों के लिए। टर्टल नेस्ट अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट, देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कंबाइन द बीच इन द अर्ली हार्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर। When the female turtle comes on the shore to nest to lay egg, she leaves behind a trail just like a track of the wheels on the sand. The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about a half meter deep. अभी यहाँ पे जब वहाँ पे कोस्ट लाइन में यहाँ पे जो volunteers सर्च करने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्हें सी लाइन में क्या दिखाई दिया, टर्टल के एग्स दिखाई दिए। उन्होंने गांव वाले से पूछा कि ये टर्टल के अंडे हैं कि किसी और के। फिर वहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ पे एक पब्लिक सील का भी लगाया गया, कि यहाँ पे लोग चोरी करते थे, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोग सोने, मतलब लोग सोना और सिल्वर चोरी करके यहाँ पे, मतलब ये सी साइड में छुपाते थे वो, क्योंकि उन्हें उसकी स्मगलिंग करनी करती थी ना, उन्हें किसी दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना होता था, तो ये सी साइड में आके वो सोने ये सिल्वर ब्रिक्स छुपाते थे, और वहाँ पे क्या करते थे, उन्हें अंडे दिखाई देते थे, तो अंडों को भी चोरी कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोस्ट लाइन में जब ये फीमेल जो टर्टल है वो आती थी,
और मतलब जब वो अंडे देने वाली रहती थी तो वो मतलब वो अंडे देती थी, मतलब वो अंडे वहीं पे दे जाती थी सी साइड में, मतलब उसने अपना एक नेस्ट बनाया था, एक घोंसला बनाया था, जब उसका अंडे देने का टाइम होता था तो वो बहुत सारे अंडे देती थी। दे डिग अप द नेस्ट एंड स्टील ऑल द दे डिग अप द नेस्ट स्टील ऑल द 151 एग दैट आर लेड इनसाइड। फिर वहाँ पे वो जो स्मगलर थे अपने सोने चांदी वहाँ पे उस सी साइड में छुपाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक फीमेल टर्टल है जो बहुत अंडे देती है, 100 से 150 अंडे देती है, मतलब वो अपने नेस्ट में रखती है। जब उन्होंने देखा कि ये टर्टल के अंडे, तो क्यों ना हम इस टर्टल के अंडों को हमें सेल कर देना चाहिए। और जो भी अंडे रहते थे वो अंडे को, टर्टल के अंडों को वो चुरा लेते थे। These eggs are then either eaten or sold in the market, क्योंकि उस ज़माने में उस टाइम पर उस वक्त पे मतलब ये अंडों को क्या कर देते थे, ये टर्टल के अंडों को उस ज़माने में लोग खाते भी थे और मार्केट में बेच भी देते थे अच्छे प्राइस में। If the turtle is spotted while it is laying eggs, it is allowed to lie till the laying is over. फिर लोग क्या करते थे वहाँ पे जो स्मगलिंग करते थे अपने सोने चांदी को उसी साइड में छुपाते, तो वहाँ पे उन्हें क्या मिला कि एक फीमेल टर्टल दिखाई दी जो अंडे देती थी, 100 से 150 अंडे देती थी, वो अपने नेस्ट में रखती थी। वहाँ पे जो मतलब जो क्रिमिनल्स थे उस मतलब टर्टल के एग्स को क्या करते थे, खा भी लेते थे और कुछ अच्छे कुछ टर्टल्स के एग्स को मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे कंट्री इंडिया में ऐसे ही मतलब टर्टल की पॉपुलेशन बहुत कम है। एज सून एज द एग्स आर लेड इट इज़ कॉक एंड द किल एंड द इटन, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे टर्टल अंडे देती थी उसे या पकड़ लेते थे या तो मार देते थे या खा लेते थे। दिस रथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा ही यहाँ पे होने लगा कि पहले से हमारे वर्ल्ड में टर्टल की पॉपुलेशन कम है कि लोग कुछ ऐसे क्रिमिनल्स है जो ऐसी हरकत करते हैं। हावर इन इंडिया सी टर्टल हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग द अंडर शेड्यूल ऑफ शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ जो सी टर्टल थे उन्हें भी मतलब हमारे जो इंडिया कंट्री के यहाँ पे उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक रूल्स बनाया गया कि उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, हिफाजत की जाए। अगर ऐसे ही होता रहेगा, अगर हमारे टर्टल्स के ऊपर हमारे टर्टल्स को लोग टर्टल्स के अंडों को खा लेंगे या मार्केट में बेच देंगे तो उनकी आबादी कैसे बढ़ेगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे इंडिया कंट्री में टर्टल्स की पॉपुलेशन बहुत कम है। That means turtles have been given as much as protection as tiger, मतलब turtle को भी इतनी protection जितनी देनी चाहिए जितनी हमारे national animal tiger को दी जाती है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे criminal मिलेंगे हमारे जो sea side में मतलब चोरी का माल लाके मतलब अपना sea side में छुपाते थे, जो भी सोने चांदी चोरी करते थे, smuggling करते थे, एक country से दूसरी country भेजाते थे, तो वो sea side में क्या करते थे, मतलब अपना सोने चांदी का जो भी उनका जो खजाना रहता था वो sea side में छुपाते थे। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे turtles है, female turtles है जो अंडे देती है, जो 100 से 150 अंडे देती थी अपने नेस्ट में देती थी, वो अंडों को क्या करते थे, चोरी कर लेते, या तो खा लेते थे या तो उसे मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच देते थे। मगर मतलब अगर ऐसे क्रिमिनल को हमें पकड़ना होगा, मतलब उन्हें हमारे टर्टल्स को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए जितना हम अपने नेशनल एनिमल टाइगर को देते हैं। कि अगर इसी तरह हम अगर टर्टल के अंडों को खा लेंगे, मार डालेंगे, बेच डालेंगे, तो हमारी टर्टल की पॉपुलेशन तो कम होती जाएगी। Therefore, all this business of gathering turtle egg, killing turtle is carried on the secret hush hush manner. मतलब ऐसे ही होते गया उस ज़माने में, मतलब लोग turtles के अंडों का business बना लिए थे, उसे माल दे रहे थे, या तो खा ले रहे थे या तो उसे अच्छे price में market में sold कर डाल रहे थे। मतलब ये पूरी बात थी कि अगर इसी तरह होते रहेगा तो हमारे turtles की population हमारे इंडिया कंट्री से कम हो जाएगी, तो हमें उतनी protection देनी है turtles की protection देनी है जितनी हम टाइगर नेशनल एनिमल टाइगर की protection देते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग, वी बिगेन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट, वी डिसाइड टू, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वाकई बहुत उदास करने वाली बात है कि अगर ऐसे ही होते रहेगा तो हमारी कंट्री इंडिया से जो टर्टल्स है उनकी पॉपुलेशन कम होते जाएगी, और हमारे लिए बहुत अफसोस वाली बात है। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र, मतलब हमें ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी हिफाजत के लिए हमें उनके लिए एक ऐसा नेस्ट हमारे महाराष्ट्र में बनाना चाहिए कि यहाँ पे कोई हमारे टर्टल्स पे कोई अटैक ना कर सके। वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरटूक द स्टडी ऑफ टर्टल, वी कॉन्टेक्ट इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल इन इंडिया, मतलब हमारे ऊपर कोई हमारी कंट्री इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हमें सी टर्टल की कैसी प्रोटेक्शन करनी चाहिए।
उनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले टर्टल्स के ऊपर हमने स्टडी करना चालू किया कि उनके लिए हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं ताकि हमारे जो सी टर्टल्स हैं वो सिक्योर रह सके। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग द टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन और एट वेलास तालुका मंदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे हमारे जो कंट्री इंडिया के फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, मतलब जगह जगह पे, मतलब हम ऐसे, मतलब ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स को बनाते जाके जो हमारे नेशनल एनिमल है उनके ऊपर कोई किलिंग, उनके ऊपर कोई हमला ना हो सके, हमारे फॉरेस्ट की हिफाजत कर सके, हमारे हमारे फॉरेस्ट एनिमल की प्रोटेक्शन कर सके। मतलब ऐसे ही होते रहेगा तो हमारे इंडिया फॉरेस्ट से सारे जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे और हमारे इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, टर्टल की पॉपुलेशन होगी, बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे उन्हें। तो यहाँ पे पहले उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे जो है टर्टल प्रोटेक्शन कैंपिंग के लिए वेलास तालुका मंगत में, मतलब रत्नागिरी ने एक प्रोजेक्ट प्रोपोशन किया, कॉपरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक रूल्स बनाया कि ताकि यहाँ पे जो हमारे टर्टल्स हैं वो सेफ रह सके। एज अ पार्ट ऑफ द कैंपिंग अ फ्यू लोकल पीपल वॉर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर अ टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। मतलब जैसे जैसे हमने कैंपिंग चालू की तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो टर्टल के नेस्ट बनाए थे। यहाँ पे आप टर्टल की पिक्चर देख सकते हो कैसे टर्टल के नेस्ट बनाते ताकि वो टर्टल हमारे सही सेफ सिक्योर से अपने अंडे दे सके। व्हेन दे केम अक्रॉस द नेस्ट दे हैड टू केयरफुली रिमूव द एग फ्रॉम द नेस्ट एंड बरी देम अगेन इन अ सिमिलर पिट। फिर उन्होंने एक पिट बनाना चालू कर दिया। जैसे हम हैन को रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम पेन बनाते हैं उनके, मतलब जैसे हमारे, आपने देखा होगा जो हैन का शॉप रहता है तो हमें हैंस के उसके चीज को प्रोटेक्टिंग के लिए एक ऐसी चीज एक पिट बनाते ताकि हमारी जो हैन है उसके चीक से वो सेफ अच्छी तरह से अपने पिट में रह सके, उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। तो हमें टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए हमने एक पिट बनाया, फिर वहाँ पे उसको रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से उसे हम अपने टर्टल को रख दे इस पिट में ताकि वो अच्छे से अंडे दे सके। बट वन प्रोटेक्टेड विद वायर फेंसिंग दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट। मतलब हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि हमारे, हमने जो ये पिट तैयार किया है टर्टल के लिए हमने एक नेस्ट बनाया ताकि ये आराम से जो टर्टल से वो अच्छे से अंडे दे सके इस नेस्ट में, यहाँ पे कोई चोरी ना कर सके उन अंडों को। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। फिर इस तरीके से हमने, मतलब हमने पहले साल में हमने 50 नेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया था इस तरीके से ताकि हमारे नेस्ट में कोई अंडे टर्टल के अंडे ना चोरी अंडे चोरी ना करे टर्टल्स को भी ना चोरी करे, क्योंकि अगर इसी तरह चोरी होती रही तो हमारे कंट्री इंडिया से टर्टल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। व्हेन द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स व्हाट एन इवेंट दैट वाज। मतलब जैसे उस अंडों में से बेबी निकलते थे, टर्टल के बेबी निकलते थे, द होल विलेज रश टू द बीच टू द विटनेस टू द स्ट्रक्चर। फिर सारे गांव वाले आ जाते थे अब टर्टल की बेबी को देखने के लिए, कितना, मतलब कितना सुंदर बेबी है। वेन द टाइनी टर्टल हैचिंग हरीड अक्रॉस द सिल्वर है सेंड टू मीट द रोलिंग बाउंडलेस सी व्हाट एन इमोशन दे रिसीव फ्रॉम द उन लोकर्स। सम ऑफ द एल्डरली विलेजर कंफ्यूज दैट दे हैड सीन अ टोटल टर्टल एग फ्रॉम द राइट फ्रॉम द स्कूल डेज। इट वॉज द फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैड सीन द हैचलिंग रशिंग टू द सी। मतलब उन्होंने पहली बार देखा था जब उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था कि हम टर्टल के लिए एक पिट बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ सॉइल डालेंगे और उसका एक नेस्ट बनाएंगे ताकि हम टर्टल्स को अच्छी तरह से बरी कर सके और टर्टल फीमेल जो टर्टल है वो अच्छी तरह से अंडे दे सके। अब जैसे उसने अंडे देना शुरू की तो गाँव वाले उसके अंडों को देखने के लिए आ गए कि ये, मतलब ये इसके अंडे इतने सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने पहली बार ये अंडा देखा है, कि उन्होंने ऐसा अंडा पहले बहुत पुराने जमाने अपने स्कूल के टाइम देखा था। कि सारे जितने भी विलेजर्स थे गांव वाले इस टर्टल्स को एग को देखने के लिए आ गए कि इसके एग वाकई सिल्वर कलर के हैं। There are 7 types of the sea turtle in the world, 5 of which are found in India. मतलब यहाँ पे 7 types के turtles हमारे world में पाए जाते हैं, जिसमें 5 types के turtles हमारी country India में पाए जाते हैं। The only Ridley turtle nest along the entire coastline of Maharashtra, जैसे हमारे birds के नाम होते हैं, fruits के नाम होते हैं, vegetables के नाम होते हैं, हाँ वेजिटेबल्स के नाम होते हैं, और ये जैसे हमारे जैसे हमारे फ्रूट्स में वैरायटी पाई जाती है, जैसे एप्पल होता है उसकी वैरायटी, पर मैंगो में वैरायटी पाई जाती है, यहाँ पे जैसे टर्टल में भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे 7 types के turtles जो हमारे वर्ल्ड में है उसमें से 5 types के जो टर्टल हमारे कंट्री इंडिया में मौजूद है उनमें से क्या है, द ओली रिडले टर्टल जो है हमारे कोस्टलाइन महाराष्ट्र में पाया जाता है।
ग्रीन टर्टल हॉक बिरहेल्सो फॉर्मबीन, मतलब ये टर्टल्स के नेम है, ओली रिडले जो है, ओली रिडले एक टर्टल का नाम है जो हमारे कोस्टलाइन महाराष्ट्र में पाया जाता है। एक ओली रिडले टर्टल है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया, 7 टाइप्स के टर्टल्स हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उसमें से 5 टाइप्स के टर्टल जो है वो हमारी कंट्री इंडिया में पाए जाते हैं। तो उनमें से द ओली रिडले टर्टल है जो हमारे कोस्टलाइन महाराष्ट्र में पाया जाता है। अ ग्रीन टर्टल हॉक बिल्स वो भी पाया जाता है। And an amazing characteristic of turtle is that when the female turtle reach maturity, it is nearly after a gap of 50 years, she returned to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. The female comes on the shore to make a nest in the sand and lay her eggs, immediately return to the sea. She did not return to the nest after that. The eggs hatch after a period of 40 to 50 days. यूजिंग नेचुरल हीट। फिर यहाँ पे जब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे वर्ल्ड में 7 टाइप्स के टर्टल्स पाए जाते हैं, उसमें से 5 टाइप्स के टर्टल हमारी कंट्री इंडिया में पाए जाते हैं। तो ओली रिडले जो है टर्टल है वो महाराष्ट्र के कोस्टलाइन में पाया जाता है। ग्रीन टर्टल्स और हॉक्सबिल्स ऐसे टर्टल है जो हमारी कंट्री कोस्टलाइन महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो उनमें एक क्वालिटी क्या होती है, जब फीमेल जो टर्टल अपने मैच्योरिटी में आती है, जब वो अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए आती है, तो वो जैसे आफ्टर गैप ऑफ 15 ईयर्स, जैसे 15 साल गुजर जाते हैं, तो मतलब जो अपने शोर में आती है, अपने अंडों को देने के लिए, क्योंकि उसे अपना बेबी बॉर्न करना होता है, तो वो शोर के करीब आती है और अपने नेस्ट में आती है और सैंड के पास बैठ जाती है। वहाँ पर वो अपने अंडे देती है, क्योंकि उसका मैच्योरिटी का टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसका अंडे देने का समय आ जाता है। तो इसका जो हैग हैचिंग का जो प्रोसेस कितने 45-50 डेज तक रहता है, क्योंकि उसे हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो अपने अंडे को खूब बहुत सारा हीट देती है, जिससे उसके जो अंडे में से उसके बच्चे बाहर निकल के आते हैं। इनोरेबल डेंजर अवेट द लिटिल हैचलिंग इन द डीप सी, दे हैड टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन सर्वाइवल रेट। मतलब ये जब उसे अंडा हैच करने होता है तो उसका ब्रीडिंग टाइम कितना होता है, 45-50 दिन तक वो टाइम लेती, क्योंकि उसको अंडे में उसे हीट देना होता, तभी तो उसमें अंडों में से बच्चे निकलेंगे। जैसे एक जो मुर्गी रहती है, जब वो अंडा देती है तो देखो वो सेकने के लिए अंडे को बहुत हीट देती है, अपने अंडे को इतनी हीट देती है मुर्गी की, ताकि उसके अंडे इतने गर्माहट से उस अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं, उसके छोटे छोटे जो चीक से निकलने लगते हैं। वैसे टर्टल्स का जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो अपने शील शोर के साइड जाती है और वो उसका मैच्योर अंडे देती है। मतलब जब वो अंडे देती है तो उसे हीटिंग के लिए वीटिंग भी देना होता, तो वो मतलब वो टाइम पीरियड कितना लेती है, 45-50 दिन, फिर 45-50 डेज लेती है, ताकि उसके अंडे कम्प्लीटली, उसे उन अंडों को कम्प्लीटली हीट मिल जाए, जिनमें अंडों में से उसके बेबीज बाहर निकलेंगे। Is therefore as law as just one or two turtles out of a thousand. Turtle perform an important function. They keep the sea clean. मतलब टर्टल ऐसा, ये इज देयर फॉर लो एज वन और टू टर्टल आउट ऑफ द थाउजेंड, टर्टल परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन, Thus they occupy an important place in marine ecology. Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on large scale. जैसे हमारी जो turtles है वो हमारे सी को हमेशा क्लीन रखते, साफ़ सुथरा रखते, मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं फैलाते। हमारा जो आसपास का जो मतलब सी के पास जो प्लांट्स रहते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो जिंदे रहते हैं। मतलब वो टर्टल्स के रखने से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सी को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। मतलब उनका जो मतलब रहते हैं ना, मतलब सी के जो जमे हुए जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब उसे खा लेते हैं, हमारे सी को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। मतलब इसलिए अगर इतने हमारे टर्टल्स में इतनी क्वालिटी है, हमारे सी को साफ सुथरा रखते हैं, हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, जो इकोलॉजी जो रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे भी खा लेते हैं, हमारे सी को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो हमें ऐसे हमारे टर्टल को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी लास्ट स्केल में, ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे टर्टल्स अगर हमारी कंट्री इंडिया से खत्म हो जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बहुत खत्म हो जाएगी, तो हमारी कंट्री इंडिया का बहुत नुकसान हो जाएगा। After the success at Velas, we started implementing the project in other places too. Within a 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. Protection was offered in 80 of the villages.
where turtle nests were found. अभी यहाँ पे जब जैसे हमने विलास को प्रोजेक्ट चालू किया था तो वो सक्सेस हो गया थी, इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते 5 साल के अंदर हमने और कोस्ट लाइन में हमने सर्वे किया ताकि हमें हम अच्छी तरह से प्रॉपर टर्टल को प्रोटेक्शन दे सके. हमने विलेजर्स में गांव में भी जाके लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें अच्छी तरह से नेस्ट बनाना है ताकि हमारे जो टर्टल्स है वो अच्छी तरह से नेस्ट में रह सके और अंडे दे सके. Our strategy was to engage those who had so far been involved in the stealing the legs. मतलब हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है जो हमारे टर्टल्स के एक्स को एक्स की टर्टल की एक्स की चोरी करते हैं, उसे दूसरी कंट्री में बेचते हैं. तो हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है बिकॉज ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है. देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड कसो मित्रा टू इंकरेज मोर पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कैंपेन. A comprehensive booklet, a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message. मतलब हमें ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना है जो टर्टल के एक्स को चोरी करते हैं और दूसरी कंट्री में सोल्ड करते हैं. मतलब इन पे भी हमें काम करना है, इनकी प्रोटेक्शन की, क्योंकि हमें टर्टल्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए. उनके लिए हमें टू फ्रेंड्स टर्टल उनके लिए हमने टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड मतलब जारी किया है, वो भी कसो मित्रा में. मतलब जो भी इस प्रोटेक्शन के लिए भाग लेगा उसे हम टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड से नवाजेंगे कि मतलब हमें टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना है. उसकी कैंपिंग के लिए हमने बहुत सारे ऐसे नेस्ट बनाने ताकि हमारे जो फीमेल टर्टल है वो अच्छी तरह से उस नेस्ट में अंडे दे सके, उनकी प्रोटेक्शन की जाए. मतलब उनके लिए बुकलेट बनाया गया, उनके लिए शॉर्ट फिल्में बनाई गई ताकि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस पता चले कि हमें टर्टल्स की लाइफ को बचाना है, उसे मारना नहीं, उसे बेचना नहीं. The year 2006 saw the beginning of novel concept Turtle Festival of Kaso Mahotsava. अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा 2006 में हमने एक नॉवेल देखी थी, एक नॉवेल एक किताब देखी जिसमें टर्टल के बारे में पढ़ा था हमने कि टर्टल की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए. एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द हैचिंग रशिंग आउट टू द सी अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन वॉर एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल. एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फॉर्म ऑन वन इशू द हैचिंग शुड नॉट कम टू इवन एन स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी. फिर यहाँ पे हमने एक नॉवल पब्लिश की जिसमें टर्टल के बारे में लिखा था, टर्टल फेस्टिवल और कसो महोत्सव, कि हमें टर्टल की कैसी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसके नेस्ट प्रॉपर बनानी चाहिए ताकि फीमेल जो टर्टल है वो अच्छी तरह से अपने एग्स को यहाँ पे हैच कर सके, अंडे दे सके. उसके लिए हमने मूवीज बनाई और कोकन वगैरह में भी मतलब उसका फेस्टिवल बनाया गया कि हमें टर्टल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए. एट द सेम टाइम हमने मतलब देखा कि हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए मतलब ऐसे टूरिस्ट भी आए जब उन्होंने देखा कि मतलब यहाँ पे टर्टल्स उन्होंने देखा कि ऐसे टूरिस्ट जो फॉरेनर्स आए हमारी कंट्री में हमारे कोकण रीजन में विजिट करने के लिए, कोस्ट लाइन में विजिट करने, उन्होंने देखा कि यहाँ पे टर्टल्स की बहुत केयरिंग की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह दी जाती है. द टूरिस्ट वर अकोमोडेट इन द होम ऑफ द विलेजर. मतलब टूरिस्ट भी मतलब विलेजर्स को देखने लगे कि वो टर्टल्स की कितनी अच्छी से केयरिंग करते, उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह करते. द रेस्पॉन्स टू दिस नॉवल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सीलेंट. मतलब उसके ऊपर हमने एक नॉवल बुक बनाई थी, एक बुक पब्लिश की थी होम स्टे की, हमें टर्टल की प्रोटेक्शन करनी है. टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज क्लबलेस इन ईच विलेज. मतलब टर्टल फ्रेंड्स क्लब मतलब बना दिया गया है ताकि टर्टल्स की हमारे एक विलेज में उसकी प्रोटेक्शन की जाए. द मेम्बर ऑफ बींग ऑल द विलेजर ऑफरिंग होम स्टे, ऑल द विलेजर वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे. दे गिव इट 10% ऑफ द इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड. मतलब उन्होंने गांव-गांव में हर जगह मतलब हमने एक ये बुक बना दी टर्टल फ्रेंड क्लब के लिए, एक फ्रेंड क्लब के लिए मतलब एक पब्लिश कर दी गई ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए. मतलब उसके लिए लोग डोनेशन देने लगे, प्रोटेक्शन के लिए एक फंड बना दिया ताकि लोग टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए जो हमें पिट बनाना है, नेस्ट बनाना है, उस पर वो पार्टिसिपेट कर सके. द फंड वुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल. मतलब ये जो फंड हमने जमा किया था लोगों से, गांव वाले से, अवेयरनेस के लिए, मतलब ये बुक जो हमने छापी थी टर्टल होम फ्रेंड, मतलब टर्टल हमने टर्टल फ्रेंड क्लब की हमने एक बुक छापी थी, पब्लिश की थी, ताकि जो भी ये बुक पढ़े तो वो उसे पता चले कि हमें टर्टल की मतलब प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हमारे टर्टल्स को मारते हैं, टर्टल्स के अंडों को खा लेते हैं, टर्टल्स को बेच देते, टर्टल्स के अंडे को अच्छे प्राइस में मार्केट में सोल्ड कर देते. तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें टर्टल की पॉपुलेशन को बचाना है. अगर इसी तरह होते जाएगा तो हमारी कंट्री इंडिया से टर्टल की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी और हम
टर्टल कहाँ से लेकर आएंगे, तो हमने पब्लिश की ऐसी नॉवल पब्लिश की ताकि टू टर्टल फ्रेंड क्लब का एक विलेज में, मतलब हजारे विलेज को हमने, मतलब वो अवेयरनेस के लिए हमने होम स्टे वाला टर्टल प्रोटेक्शन फंड टर्टल, अभी यहाँ पे टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए हमने एक बुक मतलब पब्लिश की टर्टल फ्रेंड क्लब और सारे गांव वालों को मतलब बांट दी होम स्टे, मतलब ताकि सारे लोगों को पता चले कि हमें टर्टल की कितनी कदर करनी चाहिए, कितनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मतलब उसके लिए हमने एक फंड रेजिंग जमा किया, एक पैसा जमा करना शुरू किया ताकि उन पैसों से टर्टल की प्रोटेक्शन की जाए, उसके नेस्ट बनाया जाए, उसके प्रॉपर जो प्रिट बनाया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प द फेस्टिवल रीच ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट आवर वेबसाइट। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस। मतलब ये जो टर्टल फ्रेंड क्लब था वो हमारे विलेज में काम कर दिया था, सक्सेस, मतलब हमारे लिए सक्सेस हुआ था, क्योंकि सारे गाँव वालों को हमने बता दिया कि हमने टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए हमने एक फंड रेजिंग फेयर बनाया है, एक फेयर बनाया है, एक फंड रेजिंग का हमने ये सिस्टम जारी किया है ताकि हमने यहाँ पे फंड रेजिंग हम जमा करेंगे, टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए हम पैसे जमा करेंगे, और जब ये पैसे से हम टर्टल की प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब ये फेस्टिवल हमने बनाया ताकि लोगों को पता चले, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू लोगों को हमने ये बात फैला दी कि हमें ये डोनेशन चाहिए, हमें ये फंड चाहिए, हमें को पैसे चाहिए ताकि हम टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए प्रॉपर नेस्ट और प्रॉपर पिट बना सके, ताकि हमारी जो टर्टल्स है, फीमेल टर्टल, वो अच्छी तरह से अंडे दे सके, अच्छी तरह से उनकी पॉपुलेशन, उनकी ग्रोथ बढ़ सके। मतलब ये बड़े से छोटे गांव में ये खबरें फैल गई, आप ये देख सकते हो पिक्चर। प्रोटेक्ट द टर्टल एंड इंजीज द सी, कैसे हम टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए हमने ऐसे कोस्ट लाइन का बंद, ऐसे हमने प्रोटेक्शन के लिए हमने देखो जो टर्टल्स है, आप सी लाइन देख सकते हो, ये ऐसा पिट है जहाँ पे टर्टल्स को रखा जाता है, मतलब बहुत सारे रेत रख देते हैं, जहाँ पे जो फीमेल टर्टल्स है वो, मतलब उसका मैच्योरिटी का टाइम आता है तो वो अंडे देती है। प्रोटेक्ट द टर्टल एंड इंज द सी, मतलब हम टर्टल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, मतलब हम सी प्रोटेक्शन के लिए हम सी गार्ड, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड हम बना सकते हैं ताकि सी लाइन पे कोई हमला ना कर सके, कोई अटैक ना कर सके। मतलब यहाँ पे कोकन में हमने एक फेस्टिवल जब हमने बनाया तो यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मोर एंड मोर विलेजर कम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ द होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35, एज मैनी एज 800 पीपल बिगेन टू विजिट द विलास इन द टर्टल सीजन। अभी यहाँ पे जो हमने फेस्टिवल बनाया कोकन रीजन में, गांव वालों को हमने अवेयरनेस किया, जो भी गांव वाले थे, कि हमें टर्टल का फंड जमा करना है, टर्टल हमें फंड जमा करना है, जो भी पैसे आएंगे हम टर्टल्स के लिए हम नेस्ट बनाएंगे, पिट बनाएंगे, ताकि टर्टल की पॉपुलेशन को हम आगे बढ़ा सके, उसके लिए हमने होम स्टे बनाया ताकि लोग अवेयरनेस कर सके। मतलब ये हमारा जो था फंड रेजिंग सक्सेस हुआ, जिससे लोगों को पता चला 800 पीपल, मतलब हमारे 800 लोग, 800 लोग हमारे विलास में आए टर्टल सीजन में, उन्होंने हिस्सा लिया। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर द विलेजर, मतलब इससे दिस मीन मोर बिजनेस फॉर, जिससे गाँव वालों का भी एक बिजनेस बन गया। नाउ दे रियलाइज द टूरिज्म कैन बी सोर्स ऑफ इनकम, फिर यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आने लगे उन्होंने भी अच्छा खासा फंड दिया, क्या वो चाहते थे कि हमारे टर्टल की को प्रोटेक्शन की जाए। टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी इन ऑर्डर टू अर्न दैट मनी इज, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द टर्टल हैचिंग, दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थ्रो लाइवलीहुड इन द इन इट्स टू सेंस, विलास बिकम द प्रोजेक्ट मेन सक्सेस स्टोरी। तो यहाँ पे जो हमारा हमने जो टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए हमने जो प्रोजेक्ट चालू किया था, कि हमने अवेयरनेस के लिए उसके लिए बुक छापी थी टर्टल फ्रेंड क्लब के लिए, ताकि लोगों को, गांव वालों को ये बात पता चले कि हमने फंड रेजिंग का सिस्टम चालू किया है, इसमें हमें पैसे की ज़रूरत है, तो गांव वाले ने इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों ने पैसे दिए, फिर बाद में ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो प्लान था वो सक्सेस हुआ, जिससे लोगों ने टूरिस्ट लोग ने पैसे दिए, जिससे हमारी इनकम बढ़ गई, जिससे हमने टूरिस्ट ने भी हेल्प की, टूरिस्ट जो थे उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा दिया ताकि हमारी जो टर्टल है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम अच्छा नेस्ट बना सके, पिट बना सके, ताकि जो हमारे फीमेल टर्टल्स है वो नेस्ट में अच्छी तरह से अंडे दे सके, उनकी पॉपुलेशन हम बढ़ा सके, उनकी क्योंकि एक जिंदा एनिमल्स की जान बचाना, उसकी केयरिंग करना बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा ऐसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल, तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जो टूरिस्ट है वो एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स की हिफाजत के लिए वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जहाँ एनिमल्स वो अच्छी एक हैप्पी लाइफ, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सके।
सयादरी निसाग मित्रा और ऑर्गेनाइजेशन बिलीव डेट इज अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था हमारा विलास बिकम द प्रोजेक्ट मेन सक्सेस स्टोरी, हमारा जो विलास में जो कोकण रीजन में हमने चालू किया था ये फेस्टिवल हमारा सक्सेस हो गया, जिससे हमारी टर्टल की अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो गई, टूरिस्ट ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, टूरिस्ट ने भी पैसा दिया क्योंकि वो भी चाहते थे हमारे टर्टल्स की लाइफ हमारी टर्टल्स की प्रोटेक्शन अच्छी तरह से हो सके। सयादरी निसाग मित्रा आवर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव डैट इट इज़ द ओनली द लोकल विलेजर हु कैन अल्टीमेटली ऑफर एक्सीलेंट प्रोटेक्शन टू द लोकल स्पीशीज इफ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू डैट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बिकम सस्टेनेबल विद दिस बिलीव। वी इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द ग्राम पंचायत द विलेजर एंड टर्टल फ्रेंड क्लब ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली ऑफर हेल्प वैन नेसेसरी। अभी हमने जब सयादरी निसाग मित्रा में हमने ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की, गांव वालों को बताया कि ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेस हुआ है, कि लोग इसमें बाहर के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर साथ ले पार्टिसिपेट कर रहे, जो फॉरिनर है टूरिस्ट है बाकी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, वो भी चाहते कि हमारी जो टर्टल का के लिए हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है टर्टल प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे लिए अच्छा जाए। ग्राम पंचायत जो बाकी के गाँव वाले टर्टल फ्रेंड क्लब हमें मिलजुल कर हमें ये काम करना होगा, अगर इसी तरह हम काम करते रहेंगे तो हमारा जो टर्टल का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, इसी तरह करते रहेंगे तो हम टर्टल की पॉपुलेशन की अच्छी तरह से बढ़ा सकेंगे, इसी तरह से हम काम कर सकेंगे टर्टल के लिए अच्छा खासा नेस्ट बना लेंगे पिट बना लेंगे जिससे फीमेल जो टर्टल है वो अच्छी तरह से अंडे दे सकेगी, वो अच्छी तरह से हैचिंग दे सकेगी, और इससे हम क्या करेंगे हमारा प्रोजेक्ट और सक्सेस जाएगा और आगे जाएगा, क्योंकि हमें टर्टल्स की प्रोटेक्शन करनी है, टर्टल की पॉपुलेशन को हमें बढ़ाना है तो हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो इसी तरह हम काम करते रहेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ज़रूर सक्सेस होगा। तो इसके जो राइटर है कौन है हम देखेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है, बहु काटरे सयादरी निसाग मित्रा, सयादरी निसाग मित्रा उन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा, उन्होंने टर्टल की ट्रू स्टोरी एक्सप्लेन की कि हमें कैसे टर्टल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ऐसे भी क्रिमिनल्स है जो हमारे टर्टल्स के क्या बने दुश्मन बने हैं, वो टर्टल्स को चोरी करते हैं, टर्टल्स के अंडों को चोरी करते हैं, टर्टल्स के अंडों को मार देते हैं या टर्टल्स को मार देते, टर्टल्स के अंडों को खा लेते या मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच देते, तो हमें ऐसे क्रिमिनल्स को रोकना है, हमें टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कैंपिंग बनाना है जिसपे हम उनकी प्रोटेक्शन कर सके। उन्होंने टर्टल की स्टोरी बनाई, अगर टर्टल के लिए हम प्रॉपर प्लेट बनाएंगे प्रॉपर नेस्ट बनाएंगे तो जो फीमेल टर्टल्स है वो अच्छी तरह से क्या अंडे दे सकेगी, और उसके अंडे कैसे होते हैं सिल्वर कलर के होते हैं, और वो अंडे अच्छी तरह से देगी तो हमारे जो टर्टल्स हैं वो अच्छी प्रोटेक्शन में रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, उनकी लाइफ वो ज़्यादा लाइफ जिएंगे, तो हमें टर्टल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन को हमें बढ़ाना चाहिए। तो हमने कैसे आज ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स के बारे में पढ़ा कि टर्टल्स की लाइफ हमारी कंट्री इंडिया में कितनी इम्पॉर्टेंट है।